आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये दो मंत्र हैं सतनाम के, और इन्हीं मंत्रों को कौन जाप करते थे? आदरणीय नानक साहिब जी। अपने आत्माओं, जिन महापुरुषों के ये गुण गाते हैं कि वो पार हो गए, और वो ये कहा करते कि गुरु ग्रंथ साहिब में पांच शब्दों की धुनकार धुन सुने, ये कोई बात है? वो शब्द अलग हैं, वो मंत्र न्यारे हैं, उनसे प्रकट होने वाली धुन इस शरीर में तो असंख्य धुन है। कबीर साहब ने कहा कि अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि वो शब्दों की जो वास्तविक धुन है, जो उस सतलोक में जो धुन हो रही है, वो इसके पार है। कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे उस धुन, उस जनकार का। ये नकली है, इसके अंदर जो सुनता है सारा काल ने अपनी माया के द्वारा दुर्गा से ये नकली लोक, नकली धुन इस शरीर के अंदर प्रकट करवा रखी, उसकी नकल करके सतलोक की। इनको जो भी पिंड में सुनते हैं, अंड, ये पिंड और अंड एक ही है, ये तीन बनाए बैठे, अंड पिंड और ब्रह्मंड, ये तीन है। अरे तेरा गजब भैया अज्ञानियों। अब आपको दिखाते हैं आदरणीय नानक साहिब जी ने क्या जाप किया। एक समय मर्दाना और बाला दो सेवक थे, उनके साथ रहा करते थे। उन्होंने प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, हमें एक बार श्रीलंका की सैर करा दो। नानक साहिब जी ने कहा कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करके खोली तो समुंदर के किनारे खड़े थे। नानक साहिब जी ने कहा कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ, जल के ऊपर चलेंगे जैसे पृथ्वी पर चलते हैं, और तुम वाहे गुरु कहते रहना। अब वो दोनों वाहे गुरु करते हुए चल पड़े। नानक साहिब जी वो दो अक्षर का मंत्र उच्चारण करके जाप सुमन करते जा रहे थे। मर्दाना ने सोचा, गुरु जी तो ये दो अक्षर का मंत्र जाप कर रहे हैं, मैं भी क्यों ना यही मंत्र करूं। तो उसने दो अक्षर का मंत्र जाप शुरू किया, वो लगा डूबने। तब नानक साहिब जी ने कहा कि मर्दाना, गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने से ये दंड लगता है, तो वही मंत्र कर जो मैंने बोला है। तो फिर वो वाहेगुरु कहने लगा, फिर उसी तरह जल के ऊपर थल की तरह चलने लगा। अब यहाँ झटका देना अनिवार्य था नानक साहिब जी के द्वारा, कि नहीं तो ये नाम सार्वजनिक हो जाता। ऐसा भय मान गया पूरा सिख समाज कि यदि इस नाम का जाप कर लिया तो मर्दाना की तरह दंडित हो जाएंगे और गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना होने से हानि हो जाएगी। इसी कारण से वो प्राण संगली के अंदर नानक साहिब जी ने सारा भी डिटेल लिखी थी, उसको गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं रखा, बल्कि उसको समुद्र दरिया में बहा दिया था। वो तो एक संत ने प्रार्थना करके निकाल लिया, उसका कुछ अंश बच गया, बाकी अध्याय वो नहीं रखे, साथ में छोड़ दिए। तो अब दिखाते हैं आपको, ये है सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये है ई जन्म साखी, अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन यानी पुरानी है, भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते दसां बादशाह पादशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर, ये यहाँ छपी है। अब इसके हम चलते हैं 547 पृष्ठ पे। ये है 547 पृष्ठ, समंदर दी साखी। बाला संधु उवाच, यानी बाला संधु ने उवाच माने उसका कथन। ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दाने किया सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया।
पर लंका ना देखी जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है, ता गुरु नानक जी की हा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, आँखी मिटो, आँखी बंद करो, जा आँखें मीट के खोलियां ता समंदर दे कंडे जाई खड़े हुए, ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहंदे आओ, ते आगे आगे गुरु जी तुर पए, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसे तरह समुंदर ऊपर तुर पए, ता चले जान जावण ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण, ता मर्दाना विचार कीती कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन, ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण, ता गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है, ता गुरु जी किहा मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना वाहे चाहिए तू मर्दाना, ओही अख आख जो असा आखिया है, ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। अब आप जी ने ये तो पंजाबी वाली पढ़ी, क्योंकि अब पंजाबी के जानने वाले पंजाब स्टेट को छोड़कर पूरे भारत में बहुत कम ही है। अब हिंदी इन्हीं के द्वारा अनुवादित है, थोड़ी सी ये भी झलक दिखाएंगे, देखिएगा। भाई बाले वाली गुरु नानक श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, भाई चतर सिंह जवाहर सिंह अमृतसर से छपी है, पंजे साहिब और दस पातशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज है, ये यहाँ से प्रकाशित है। भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, फोन और फैक्स नंबर ये है इनके, और ये प्रिंटेड जीवन प्रिंटर्स अमृतसर फोन नंबर इतने, इसके 559 पृष्ठ पे, ये है 559 यानी 559 पृष्ठ, समंदर की साखी, साखी समंदर की। एक दिन मर्दाने ने कहा हे महाराज मेरा मन चाहता है कि समुंदर में जो लंका है वहाँ का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करे क्षण पीछे खोले तब हम लोग गुरुजी के साथ मान समुंदर तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुंदर के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चलो चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। तब वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंस कर कहने लगे ए मर्दाना शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप तेरा उसी में कल्याण है। तब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई। तब फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अपने आत्माओं ये विचारणीय विषय है कि नानक साहेब जी स्वयं तो जाप कर रहे और शिष्यों को मना कर रहे, कारण क्या था? जिन भी महापुरुष को परमात्मा ने अपना एफिडेविट बनवा अपना गवाह बनवाया साक्षी बनाया उनको सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी सतनाम को डिस्क्लोज ना करना। धर्मदास मेरी लाख दोहाई ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, मूल ज्ञान अलग है और सारनाम अलग है। तो यहाँ पर गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि सोहम शब्द, कबीर साहब कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द
हमने गुप्त छुपाए आदि नाम को भी डिस्क्लोज नहीं किया, केवल इस दास पर मेहर करी, इन महापुरुषों को दिया। अब इन्होंने सतनाम को भी डिस्क्लोज करना नहीं, आदेश था इनको कि नहीं बताना किसी को, ना काल के दूतों का हाथ लग गया जल काम बिगड़ जाएगा सारा, अब कैसे पहचान करवाते हम, अब सारे फेल हो गए, ये सब खिसियानी से हुए बैठे, अब क्या करें, सबके जड़ दिखा दी, अब ये सभी पंथ खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों में, बुद्धिमान लोग है कोई बालक थोड़े ही है, अपना जीवन नष्ट करेंगे उन मूर्खों के पास लग गए जिनको तत्व ज्ञान नहीं, उनके पास कोई समाधान नहीं, लग चले इसीलिए तो गए थे एक डॉक्टर के पास, हमारा रोग कटे, अब पता लग गया उसने तब राख की पुड़िया बांध रखी है, दवाई है ही नहीं, तो कौन मरेगा उनको खाकर, अपने आत्मा